नमस्कार दोस्तों, आज 4 जून 2020 की तारीख हो चुकी है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। वहीं दिल्ली सीमा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साथ ही 5 जून के चंद्रग्रहण का कितना रहेगा असर, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको भारत सरकार की 3 ऐसी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे जिनमें रजिस्ट्रेशन करवा कर आप 36,000 रुपये पा सकते हैं। इसी तरह आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,16,000 हो गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज़्यादा नए 9,304 मामले सामने आए हैं, जबकि 260 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या 2,16,919 हो गई है, जिनमें 1,04,107 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 6,075 लोगों की मौत हो गई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 65,11,668 हो गई है, जिनमें 28,06,152 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 3,86,073 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार सबके लिए चिंता का सबब बन रही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली NCR में आने जाने के लिए बनेगा कॉमन पास। दिल्ली सीमा विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। दिल्ली NCR में ज्यादातर लोगों को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच से आना जाना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान तीनों राज्य उसके लिए अलग अलग पास जारी कर रहे हैं। इससे आम लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि तीनों राज्य के लिए एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए। यानी अब तीनों राज्य मिलकर एक वेबसाइट बनाएंगे जहां से तीनों राज्यों में से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर ई पास हासिल कर सकता है। ये पास तीनों राज्यों के लिए मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिकारियों को 1 हफ्ते में इसका समाधान निकालना होगा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली NCR के लोगों को काफी राहत मिलेगी। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। 5 जून को चंद्रग्रहण का क्या रहेगा असर। इस महीने 2 ग्रहण हैं, 5 जून को चंद्रग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण। ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। 5 जून को चंद्रग्रहण रात 11:16 पर शुरू होकर 6 जून की रात 2:34 पर खत्म हो जाएगा। यानी ये चंद्रग्रहण कुल 3 घंटे 18 मिनट का होगा। रात 12:54 पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। हालांकि ये वास्तविक चंद्रग्रहण नहीं है, उपछाया चंद्रग्रहण है, इसलिए ना तो इसका सूतक काल मान्य होगा और ना ही तमाम धार्मिक और दैनिक क्रियाओं को रोकने की जरूरत है। इससे पहले 10 जनवरी को भी ऐसा ही चंद्रग्रहण लगा था। ज्योतिष शास्त्र में उपछाया ग्रहण मान्य नहीं होता। इस ग्रहण का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता। वैसे ग्रहण काल के दौरान खाना पीना, शुभ कार्य और पूजा आरती नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भी भगवान के पट बंद रखने चाहिए। लेकिन 5 जून वाले ग्रहण में सूतक काल ना होने की वजह से पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इस ग्रहण में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए और ग्रहण काल खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश में कोरोना वायरस महामारी फैली है। इस बीच मौसम भी अपना गजब रंग दिखा रहा है। जून के महीने में मौसम गर्म नहीं है बल्कि बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में मौसम अभी भी कुछ दिन ऐसा ही रहने वाला है। निसर्ग चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पर है। गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगी। वहीं राजस्थान में बारिश के फुहार के साथ धूल भरी आंधी से भी 2-4 होना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में भी लोगों के लिए अलर्ट है। यहाँ 4 जून और 5 जून को बारिश की पूरी संभावना है। आइए जान लेते हैं पांचवी बड़ी खबर। गिर गया सोने चांदी का भाव, शादी के लिए ज्वेलरी शॉपिंग का बढ़िया मौका। दुनिया भर के बाजारों के कमजोर रुख और मांग में कमी के कारण सर्राफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सोने की कीमतों में 386 रुपए की कमजोरी देखी गई और यह
46,689 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं चांदी की कीमतों में करीब 1320 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और यह 48,220 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। ऐसे में अगर आप शादी ब्याह के लिए सोने की परचेजिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें। चलिए रुक करते हैं छठी बड़ी खबर का। जानिए भारत सरकार की 3 ऐसी योजनाओं के बारे में जिनमें रजिस्ट्रेशन करवा कर आप 36,000 रुपए पा सकते हैं। कोरोना संकट के चलते हाल ही मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस स्पेशल पैकेज को कई योजनाओं के तहत बांटा गया। आज हम आपको ऐसे ही 3 सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको घर बैठे बैठे मिलेंगे 36,000 रुपए। तो आइए जानते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी है। पहली योजना पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन देती है। अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं और आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आपको सरकार की तरफ से हर साल 36,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी मासिक कमाई 15,000 रुपए से कम है। दूसरी योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को पेंशन दी जाती है। 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच का कोई भी किसान इस योजना का हिस्सा बन सकता है। जब उनकी उम्र 60 साल से अधिक होगी तो सरकार उन्हें हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के तौर पर देगी। इसके लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तीसरी योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना। यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए है। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होने के बाद छोटे व्यापारियों की उम्र 60 साल होने के बाद सरकार हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देती है। इसका भी रजिस्ट्रेशन आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज मिल सके एक क्लिक में दिन भर की सभी बड़ी खबरें।